हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज है 5 जून 2024। सो गाइस आज है 5 जून 2024 और हम आज से इस जंगल कच्चे वाला खेती वाला एरिया पे हम लोग घर बनाने के लिए स्टार्ट हो रही है। हम लोग का जर्नी आज से शुरू होगा। आज पूरा जंगल दर्दर गाड़ी लेके आया है, पूरा कट होगा, ये मिट्टी पूरा प्लेन हो जाएगा। बहुत थोड़ा सा ऊंचा एरिया है तो इसको ही कट करके प्लेन बनाने वाला है। और काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 7 AM से और पूरा नोट करने वाला है हम लोग। यहाँ का जितना भी इन्वेस्ट होगा पूरा नोट डाउन होगा ताकि हम लोग को पता चले कि कितना गया है टोटल। और यहाँ पे जो दर्जर गाड़ी का यूज़ हुआ है पर आवर 1400 है, चार्ज पर आवर 1400 है पर आवर। तो हम लोग पर डे 8 आवर्स करने वाले हैं, आज 8 आवर्स और कल 8 आवर्स, देखेंगे 2 डेज में कंप्लीट होगा या 3 डेज पे, लेट्स सी। आफ्टरनून टाइम पे मैं आई हूँ, पहले से शुरू से मैं नहीं थी क्योंकि मुझे घर पे लंच भी बनाना था। लंच बना के यहाँ पे मुझे खाना भी लेके आ रहा था, जो भी ड्यूटी कर रहे यहाँ पे पापा है, सीएम है और गाड़ी का मालिक है, तो इसलिए मुझे घर पे खाना बना के उसको लेके आना पड़ा। सुबह से मैं यहाँ पे मौजूद नहीं थी, अभी आई हूँ मैं आफ्टरनून टाइम पे। यहाँ पे काम चल रही है, ऑल ड्यूटी यहाँ पे है, यहाँ पे ड्यूटी पे है ऑन ड्यूटी शिवम। सुबह से शिवम है और पापा है, सुबह से बैठा हुआ है। यहाँ पे जो नीचे वाला एरिया है यहाँ पे जितना भी मिट्टी कट होगा यहाँ पे नीचे पे फेंका जाएगा, थोड़ा सा प्लेन हो जाएगा, यानी कि नीचे जाने के लिए भी थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इतना तक कट हुआ है, यहाँ पे हम लोग भी कुछ हेल्प कर रहे हैं, सिर्फ दर्जर गाड़ी का ही हम लोग जो है आगे के नहीं रह रही है, थोड़ा थोड़ा हम लोग भी हेल्प किया है। यहाँ पे जितना भी कट किया है वो मैंने कट किया है और अभी जितना बाकी है थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कट हो रही है, मम्मी कट रही है और शिवम भी कट रही है। पूरा जी जान लगा कि उसका कपड़ा तो देखो, जंगल वाला कपड़ा। और ये देखो दर्जर गाड़ी मिट्टी ला ला के यहाँ पे डह रही है। जिस साइड सिर्फ ये वाला साइड ही हम फर्स्ट क्लियर करेंगे, वहाँ तक ये वाला मिट्टी पूरा वहाँ जाएंगे। और यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं बेम्बू लेने, पर बेम्बू 10 रुपीस वी आर सेलिंग।
11 जून, बीच में बारिश आया था तो इसलिए एक हफ्ता रुकना पड़ा, मिट्टी कट नहीं कर पाई। तो आज फिर से स्टार्ट कर रही है और सुबह मैंने खाना वाना लंच सब रेडी करके भेज दिया है। अभी शाम को मैं आई हूँ देखने थोड़ा सा कितना तक कट हुआ है। ये रहा, यहाँ से फर्स्ट कटिंग किया था, इतना तक बड़ा हो गया। फिर जहाँ पे कट हो रही है वहाँ पे करेंगे, वहाँ से स्टार्ट करेंगे पीछे वाला दरवाज़ा, यानी कि घर की किचन की पीछे वाला दरवाज़ा, वहाँ पे स्टार्ट करेंगे यहाँ से और इस एरिया पे घर बनाएंगे। इस एरिया इतना तक कट हुआ है अभी तक। मैं यही सोच रही कि यहाँ पे पीछे वाला गेट बनाएंगे एक छोटा सा और वहाँ से सामने से एक बड़ा वाला मेन गेट बनाएंगे और यहाँ से खेती जाने के लिए एक छोटा सा गेट बनाएंगे, तीन गेट तक कट हो गया है वहाँ से सड़क से लेके यहाँ एरिया तक। मैं सोच रही कि वहाँ तक पूरा अच्छे से ये स्ट्रेट बना दूँ, पूरा अच्छे से ग्राउंड बनाऊँगी उसका और घर इस एरिया पे ही बनेगा। वहाँ पे और थोड़ा सा कट होगा और वहाँ पर सामने की तरफ पूरा ग्राउंड ही ग्राउंड होगा और यहाँ पे बनेगा घर, सामने की तरफ फ्लावर्स गार्डन और शॉप्स भी, कुछ दुकान भी बनाएंगे वहाँ पे गांव के लिए। और इस पीछे की तरफ सब्जी बागान होगा, मेरा किचन की पीछे तरफ सब्जी बागान होगा। ये सारे बेम्बोस कट होगा, कुछ लोग आए हैं यहाँ पे बेम्बोस खरीदने लेकिन बहुत सारा है इसलिए सब के सब नहीं लेके जा पाए, अभी इसको आधा काट के फेंकना पड़ेगा और फेंका भी गया है यहाँ पे देखो। क्या मजा आ रहा है पता नहीं, इतना हंस रही है। और ये है ऊपर वाला एरिया, इतना ऊंचा पहाड़ है अभी भी, इसको पूरा कट करूंगी, पूरा फ्लैट बनाऊंगी, वहाँ सामने बनाऊंगी मेन गेट बड़ा सा और ये है पीछे वाला गेट और वहाँ पे मैं बनाऊंगी छोटा सा खेती जाने वाला गेट। घर बनेगा यहाँ पे, किचन गार्डन एंड फ्रंट साइड इज माय दिस वन फ्लावर्स गार्डन। ये कीड़ा मेरी हाथ पे बैठ गई है, पता नहीं क्या कर रही है, ऐसे लग रहा है कि कुछ ढूंढ रही है। टुडे इस 15 जून, आज पूरा बाउंड्री बांध देंगे यहाँ पे। मैं आई हूँ मम्मी के साथ, खेती वाला कपड़ा पहन के आई हूँ, बाबा के पुराना शर्ट है। तो ये रहा, आज से बाउंड्री ही बांधने वाला है आज का दिन, एक दिन के लिए। यहाँ पे छोटा वाला गेट, पीछे वाला गेट ऐसे बांध दिया है इसको और पूरा बाउंड्री साइड साइड पे बनाएंगे आज। और मम्मी वहाँ पे शाक लगा रही है, ये वाला बॉयल बहुत अच्छा है सब्जी के लिए। और देखो मिट्टी बारिश आके पूरा जूता का हालत, ये वाला लगाएंगे साइड साइड। और वहाँ पे काम के लिए दो हेल्पर आया है लेडीज, ओया हाँ, दोनों हमारा रोज का हेल्पर है खेती पे, रोज आते हैं पापा का ही हेल्पर। ये देखो बहुत सारा बेम्बू छोटे छोटे कट करके इसको पूरा बाउंड्री पे लगा देंगे, ताकि बहुत सारा बेम्बू से चोरी होता है यहाँ पे। देखो यहाँ से चोरी करके यहाँ पे कवर फेंक के जाता है सब लोग सी ही। और इसको ना छोटे छोटे जितना भी ऐसा बेम्बू से इसको साइड साइड पे लगाएंगे, फिर घुस नहीं पाएंगे। तो चलिए अभी जाते हैं साइड की तरफ, वहाँ पे दो हेल्पर को दिखा देती हूँ, वो लोग भी कर रही है बाउंड्रीज बहुत अच्छे से। यहाँ पे भी सब्जी लगाएंगे और
बनाना भी लगाएंगे जंगल इस एरिया पे, कट किया हुआ मिट्टी पे। तो यहाँ पे बन रही है बाउंड्री, ये बन चुका है साइड साइड, छोटा छोटा घास था उसको कट किया है, अभी देखो थोड़ा क्लियर हुआ है। और ये लाया है बेम्बूस का ऊपर वाला जो पार्ट है उसको लाया है, इसको बाउंड्री के साइड साइड पे देंगे ऐसे। यहाँ पे मम्मी दे रही है ऐसे ताकि चोरी लोग आसानी से ना आ सके। देखो ऐसे दिया है बेम्बूस की ऊपर वाला पार्ट ताकि चोरी लोग नहीं आ सके। अभी मैं और भी अंदर अंदर से लेने के लिए जा रही हूँ बेम्बूस की ऊपर वाला, जितना भी बहुत सारा बिखरा हुआ पत्ता जो है उसको ही ले लूँगी। मैं मम्मी को लेके दे रही हूँ और मम्मी बांध रही हूँ। अभी थोड़ा सा रेस्ट के लिए बैठी हूँ, एडिट भी कर लेती हूँ थोड़ा सा वीडियो। नकबार शिबाय शिबाय, नकबार बंग बंग। बारिश आने की वजह से हम लोग को यहाँ पे रुकना पड़ा। ये है एक छोटा सा चर्च, यहाँ पे हम लोग बारिश की वजह से रुका हुआ है और वहाँ पे पीछे है हमारा गार्डन। टुडे इज 17 जून, लास्ट टाइम पे हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए बारिश आने की वजह से, तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे बाउंड्री लगाने के लिए और बेम्बूस भी लगा के जाएंगे। सो देखते हैं आज बारिश नहीं आने से आज ही कंप्लीट होगा, फिर कल दूसरा काम के लिए हमको निकलना पड़ेगा। बहुत ही ज़िंदगी बिजी चल रही है। सो गाइस लेट्स सी, धीरे धीरे दिखाते हैं आप लोग को आज क्या होगा। ये है आज का मौसम, सेम जैसा ही लग रही है आज का मौसम भी, बारिश बारिश। कल संडे को भी बारिश ऐसा ही था चेहरा, लेकिन आया नहीं पूरा दिन। आज नहीं आना चाहिए काम पे, बाधा होके यहाँ पे सामान तंत्र मंत्र इतना तक आ गया, अभी पूरा इतना वहाँ तक करना पड़ेगा। ये हो गया संसार का हरिकी का, कैसा करना पड़ता है देखो, इसलिए संसार में मत पूछो अगर करने का मन नहीं। हम और निकाल नहीं सकते हैं, हम अभी सेंट्रल जेल में है, दाल पी रहा हूँ मैं। ये संसार का रीति निवास। ये देखो गाइस, होम मिनिस्टर आ रहा है, होम मिनिस्टर भी मतलब काम करना पड़ता है, घर का होम मिनिस्टर। गाइस देखो, दोस्त ने मेरे लिए क्या लेके आया, आइसक्रीम। और मैं बागान में काम कर रहा हूँ होम मिनिस्टर के साथ। ओ देखो मेरा दोस्त पीछे खड़ा है जंगल में, और इधर है होम मिनिस्टर। तो अभी ये थोड़ा सा खा के ठंडक बनाएंगे दिल को, मन को, शरीर को भी। आइसक्रीम है, बहुत मस्त मस्त आइसक्रीम है, देखो कुल्फी बहुत सारा है। और भी आज के लिए काम ख़त्म होके हम लोग लौट रही है वापस घर पे। अभी लंच के लिए हम लोग जाएंगे और वापस नहीं आने वाला, जो हेल्पर है वो लोग ऑलरेडी जा चुका है 12 PM को, और अभी हम लोग जा रहे हैं 1 PM को। हम लोग वापस नहीं आने वाला है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट थोड़ा सा जितना भी है काम ख़त्म करके हम लोग जा रही है। फुली ख़त्म नहीं हुआ है, आज भी ख़त्म नहीं कर पाया, शायद शाम तक ख़त्म हो जाएगा। यहाँ तक आधा तक हो चुका है, और हम शिवम और मैंने जो बेम्बू का जो ऊपर वाला पार्ट जो हमने लगाया है वो उतना तक ही लगाएंगे। और रास्ता साइड पे फिर से
मिट्टी काटने वाला है, इसलिए उस साइड पे हम लोग नहीं लगाने वाला है। मिट्टी काट करते वक्त फिर से उसको उठाएंगे, फिर से खड़ा हो जाएगा। बस उतना तक कि हम लोग बेम्बूशूट बॉर्डर पे हम लोग बाउंड्री साइड पे लगा के आए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं वापस, फिर देखते हैं नेक्स्ट काम कब शुरू होगा। सो दिस इज़ आवर प्लांटेशन, ये रहा हमारा प्लांटेशन। यहाँ पे हमने लगाया है साइड साइड पे गुआवा, यहाँ पे 10 पूरा 10 लगाया है पूरा साइड साइड पे गुआवा, और वहाँ पे भी कुछ शाक लगाया है, और बहुत सारे फ्रूट्स यहाँ पे लगाएंगे जो बड़े वाला पेड़ पौधे हैं साइड साइड पे लगाएंगे। ये रहा शाक, प्रेशर वाला शाक, और यहाँ पे लगे हैं छोटा सा गुआवा, और ये भी एक फ्रूट से पूरा लाइन लाइन करके मैंने गुआवा लगाया है। अभी पाइनएप्पल लगाऊंगी, और यहाँ पे मम्मी ड्यूटी ऑन ड्यूटी। तो यहाँ पे मैंने पाइनएप्पल लगा लिया है, वेयर गुआवा गुआवा पाइनएप्पल ऐसे लगाया है। और ये देखो पूरा बारिश की वजह से पानी ठहरा हुआ है यहाँ पे ऊपर की तरफ। यहाँ पे सिर्फ साइड साइड पे ही हमने बाउंड्री को कवर किया है थोड़ा सेफ्टी के लिए।